नाउ अगर हम लोग बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो सिंपल सी बात है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही आसान चैप्टर है। बस ये है पूरा थोड़ा कंसेप्चुअल, पूरा कंसेप्चुअल है ये, कोई वो वाला मतलब एक बार समझ में आ जाएगा ना तो मतलब ये समझ लो यार, जब तक बॉडी से जान नहीं निकल जाएगी तब तक कॉन्सेप्ट नहीं निकलेगा, प्रॉमिस। तो होता क्या है और हम लोग देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले अपनी एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे। अभी बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या है ये सब बाद में देखने, पहले थोड़ा कहानी सुनो। एक्चुअली में होता क्या है नौ कभी रात में गाड़ी चलाई है, बाइक वगैरह कार वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो अगर मान के चलो जैसे बाइक पे बंदा जब चलता है, बाइक चलाता है तो प्रॉपर रास्ता दिखता है ना, लेकिन क्या होता है जब आप कार या फिर कोई बड़ा वाहन व्हीकल जब जा रहा होता है उसको आइडिया नहीं होता है। मतलब रात में देखो क्या होता है, एक्चुअल अगर रोड है किनारे किनारे रेडियम लाइट लगी हुई हैं, ठीक है, तब तो प्रॉपर अच्छे से पता होता है कि भाई इसके किनारे नहीं जाना है। नौ ध्यान से समझना मेरी बात, कि भाई सपोज दैट एक वाहन उधर से आ रहा है, एक गाड़ी अप कर रही है, एक गाड़ी डाउन कर रही है, दैट मीन्स एक जा रही है एक आ रही है, सपोज दैट दो ट्रक हैं, ठीक है, या कार ले लो कुछ भी, तो उसमें एग्जैक्ट इतना पता नहीं होता कि अगर रेडियम नहीं लगा हुआ है सपोज दैट रोड पे रात का टाइम है, ठीक है, तो उसमें एग्जैक्ट इतना नहीं पता होता कि गाड़ी जो है कितनी किनारे ले जानी है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो बाइक में तो अपन को नॉलेज रहता है पूरा प्रॉपर देख, क्योंकि अपन ऊपर बैठे हैं भाई एकदम, ठीक है, लेकिन कार में क्या होता है एकदम साइड में एक बंदा बैठा होता है, ठीक है। तो रात में जो गाड़ी चलती है बेसिकली अंधजुआ गाड़ी चलती है, ठीक है, इतना ज़्यादा वो नहीं होता। और अगर बात करें और बड़े व्हीकल की लाइक ट्रक वगैरह की, तो उसमें तो क्या होता है इतना भारी भरकम ट्रक, मतलब सोचो मतलब इतना लंबा ट्रक और उसमें एक पुद्दू भर का आदमी एकदम साइड में बैठा, वो हैंडल कर रहा होता पूरी गाड़ी। अब रात का टाइम है तो अब सपोज दैट रोड पे रेडियम नहीं है तो उसको आइडिया नहीं लग सकता है ना कि भाई इतने से इतने किनारे रोड ख़त्म है, समझ रहे हो। तभी जो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं वो रात में ही होते हैं। तो फिर होता क्या, इसीलिए रेडियम वगैरह लगा दिए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए रेडियम लगाए जाते हैं। तो हुआ क्या, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, देखा होगा यार रेडियम वगैरह जो जिन पे लाइट पड़ती है तो वो क्या करते हैं, लाइट एमिट, दैट मीन्स वो क्या करते हैं, चमकते हैं, ठीक। तो हुआ क्या, एक कंट्री है जर्मनी, ठीक है, यूरोपियन कंट्री। तो अगर बात करें हम लोग जर्मनी में क्या हुआ, ये सन 1993 की बात है, ठीक है। तो हुआ क्या जर्मनी में, भाई एक रोड पास हुई, लंबी रोड, ठीक है, तो लंबी रोड बननी थी, ये हुआ भाई, तो रेडियम लाइट भी लगनी है भाई यार। तो पता लगा कि जितना रोड बनने का बजट नहीं है उससे ज़्यादा रेडियम लाइट लगने का बजट आ रहा था, समझ रहे हो, मतलब जितना बजट रोड का था उससे कहीं ज़्यादा बजट रेडियम लाइट लगने का आ रहा था। तो अब भाई किया क्या जाए भाई यार। तो हुआ क्या, जो जर्मनी की सेनेटोरियल है, सेनेटोरियल मतलब समझते हो सेनेट, वहाँ की, अरे वहाँ की संसद भवन, ठीक है, तो वहाँ की संसद भवन में जितने नेता मंत्री मिलके, जो संसद भवन वही है मतलब नेता वेता जहाँ पे मिलके कानून सब होता है जहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो दैट मीन्स जितने, अच्छा, जर्मनी में जो नेता हैं वो एक, वहाँ की जो संसद है वो एकदम एजुकेटेड संसद है, बता रहे हैं एक्चुअली वहाँ पे ऐसे नहीं नेता पॉलिटिशियन तैयार होते, वहाँ पे एकदम फिक्स उनके लिए वैकेंसीज होती हैं कि भाई इतने पॉलिटिशियन, सपोज दैट 10 पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो कि प्रॉपर बायोलॉजिस्ट होने चाहिए, उसमें भी 3 फिजिशियन होने चाहिए, एक कोई स्पेस रिलेटेड होना चाहिए पॉलिटिशियन, एक कोई प्रॉपर एग्रीकल्चर रिसर्चर होना चाहिए, एक कोई 3-4 इंजीनियर होने चाहिए पॉलिटिशियन जिनके पास प्रॉपर इंजीनियर हो अच्छे, एक पॉलिटिशियन जिसको स्पेस का नॉलेज अच्छा हो, स्पेस रिसर्चर हो। तो ऐसे इसीलिए वहाँ की जो सेनेट है, वहाँ की जो संसद, वो एजुकेटेड है, अपने यहाँ की तरह नहीं कि मतलब कि अतीक अहमद की तरह पूरा 3-4 को ठोका और बढ़िया आराम से भौकाल जमाया, डर जमवाया और आराम से पहुँच गए,
चुनाव जीत गए, ठीक है। तो दैट मीन्स वहाँ के जो सेनेट, वहाँ के जो संसद, वहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि चुनाव लड़ गए, चुनाव जीत गए, फ्रॉड व्रॉड जो भी कराया, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे सेनेट बड़े पढ़े लिखे पॉलिटिशियन। तो हुआ क्या, तो भाई जब रोड पास हुई है तो पता लगा रोड के जितना रोड का बजट नहीं था उससे ज़्यादा रेडियम लाइट लगने का बजट आ रहा था। तो भाई अब उसमें से संसद, उन्हीं संसद में, सेनेट में एक पॉलिटिशियन जो बायोलॉजिस्ट था वो बोला भाई कि अच्छा ऐसा है, क्यों ना हम जो रोड के साइड में प्लांट्स लगे हैं, पेड़ लगे हैं, उनको चमकवा दें रेडियम की तरह। तो मतलब समझ रहे हो, ये जो उसने बात बोल दी, एक मिनट सॉरी छींक आ गई थी, तो ये जो बात उसने बोल दी, तो दैट मीन्स ये उसने बोली 1993 में बात। अब उस समय बायोटेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो थी नहीं, तो मतलब ये जो बात उसने बोली बहुत बेवकूफ़ी भरी बात थी, ये समझ लो आप। हाँ सही बात है, उसने बोला कि क्यों ना हम रेडियम की जगह पेड़ को चमकवा, भाई जो रोड के साइड में पेड़ नहीं लगे हैं उनको चमकवा दें तो रेडियम की जगह वो काम करेगा प्रॉपर। खतरनाक दिमाग लगाया भाई बंदे ने, खतरनाक बोला भाई जो बायोलॉजिस्ट ने ये बात। तो अब उस दौर की तो सबसे बेवकूफ़ी भरी बात कही जाएगी ना, मतलब कैसे पॉसिबल भाई, पेड़ कैसे चमक सकता है भाई, पेड़ के पास प्रॉपर्टी कहाँ है चमकने की। तो यही होगा, सब साइंटिस्ट पूछने लगे, अच्छा भाई ये बताओ, अच्छा पेड़ के पास कहाँ प्रॉपर्टी है भाई चमकने की। तो फिर बायोलॉजिस्ट बोला, क्या बोला कि अच्छा ये बताओ पहले हमें कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती कहाँ हैं ऑर्गेनिज्म में। तो सारे साइंटिस्ट बोलने लगे कि भाई जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डीएनए पे प्रेजेंट, भाई डीएनए का वो टुकड़ा जहाँ पर एक स्पेसिफिक करेक्टर प्रेजेंट हो उसको जीन कहते हैं, दैट मीन्स उसी में प्रॉपर्टी होती है। तो दैट मीन्स प्रॉपर्टी कहाँ है, डीएनए पे प्रेजेंट है सारी। एक दो प्रॉपर्टी नहीं, हमारे अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अरे हज़ारों प्रॉपर्टी, दसों हज़ार प्रॉपर्टीज़ हैं भैया। भैया ऐसे समझ में नहीं आया, एक दो प्रॉपर्टी गिनवा दो। अरे यार स्किन पे हेयर होना, ठीक है, हम लोगों बाइपीडल लोकोमोशन करना, ठीक है, और क्या, यही सब प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो लाइक ये अभी तुमने दो ही प्रॉपर्टी बताई हैं, और ईयर पिन्ना प्रेजेंट होना ये एक थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे करेक्टर हैं हमारे बीच में, हज़ारों करेक्टर हैं, ठीक है, हज़ारों प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसे ही लाइक प्लांट के पास तो ये प्रॉपर्टी है नहीं चमकने की। तो वही, अच्छा तो यही साइंटिस्ट ने कहा कि अच्छा ये बताओ प्रॉपर्टी प्रेजेंट कहाँ होती। तो भाई साहब ने, सब लोग बोलने लगे भाई प्रॉपर्टी तो डीएनए पे डिपेंड करती है, डीएनए पे प्रेजेंट होती है, जीन डिसाइड करते हैं, जीन में जो कैरेक्टर प्रेजेंट करते हैं उनमें प्रॉपर्टी छुपी होती होती है। तो भाई बात तो सही है। तो अब ये डिसाइड हुआ कि तुम, सारे साइंटिस्ट पूछने लगे उस बायोलॉजिस्ट से कि अच्छा ये बताओ, ठीक है प्रॉपर्टी डीएनए पे पास होती है भाई, ठीक है करेक्टर डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट में तो चमकने वाली प्रॉपर्टी ऐसा कुछ है नहीं, जीन वो वाला चमकने वाला, तो अब तुम प्लांट में लाइट एमिट, दैट मीन्स प्लांट को कैसे चमकवाओगे। तो वो बायोलॉजिस्ट बोला कि क्यों ना हम प्लांट के अंदर जीन को मॉडिफाई कर दें, अर्थात जीन को ही चेंज कर दें, चमकने वाला जीन वहाँ पे जोड़ दें तो प्लांट लाइट एमिट करने लगेगा। मतलब समझ रहे हो, ये 1993 में हो रहा, जब बायोलॉजी बिल्कुल एडवांस नहीं थी भाई, एडवांस तो तब हुई अभी 2015 के बाद थोड़ा बहुत, जब अपने अपने अच्छे इंडिया में अच्छे अच्छे बायोटेक्नोलॉजी के कॉलेजेस बने तब जाके अपने यहाँ थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी एडवांस, वरना पहले पूछो कि भैया क्या किया ग्रेजुएशन, कहे भैया बीएससी, और 2015 के बाद बोलो जाके बच्चों भैया क्या किया बीएससी में, कहा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, खतरनाक हो जाते हैं। अभी ये कौन सा कर लिया यार ग्रेजुएशन ने, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, और पहले ओनली बीएससी। तो दैट मीन्स समझ रहे हो ना, तो बायोटेक्नोलॉजी एडवांस हुई अपने यहाँ इंडिया में 2015 के, जब अच्छे अच्छे कॉलेजेस बने, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट से पूछने लगे, अच्छा ये बताओ तुम पेड़ को चमकवाओगे कैसे।
तो उन्होंने कहा ये सब बात छोड़ो, हम जेनेटिक मॉडिफाई कर देंगे प्लांट को और चमकवा देंगे। लेकिन तो साइंटिस्ट पूछने, अच्छा ठीक है चमकवाओ कैसे ये तो बताओ। तो कहा ये सब बात छोड़ो, चमकवाएंगे कैसे, पहले ये बताओ कि जुगनू कैसे चमकता है। भाई अगर हम ये पता लगा लें कि जुगनू कैसे चमकता है तब कुछ बात बन जाए। अच्छा एक बात बताएं यार, साइंस जो है विज्ञान वो हमेशा वहाँ पे हाथ आजमाती है जहाँ पे कुछ ना कुछ फायदा होता है। ऐसे ऐसे ही नहीं वेले कहीं भी दिमाग लगाएगी, जहाँ पे कोई प्रॉफिट होगा वहीं साइंस यूज़ करेगी, अपना अपनी मेहनत दिखाएगी, वहीं मेहनत करेगी उसी चीज़ में। वरना तुम पूछोगे भैया पहले जो है अब साइंटिस्ट जुगनू पे काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, प्रॉपर पता लगाएंगे, पहले क्यों नहीं साइंटिस्ट ने पता लगाया कि आखिर जुगनू को ये रात में क्यों चमकता है, ये सारी प्रॉपर्टी उसके पास कैसे हैं, क्यों चमकता है, कैसे क्या होता है। तो भाई पहले ज़रूरत नहीं थी ना जानने की, अब चूंकि पेड़ को चमकवाना है इसलिए ये जानना है कि जुगनू काहे के लिए चमकता है, ऐसी क्या प्रॉपर्टी, ऐसा कौन सा करेक्टर, ऐसा क्या है जो जुगनू को चमका रहा है रात में। अब हमें पेड़ को चमकवाना है तो हमको ये जानना पड़ेगा, वरना पहले जब तक विज्ञान का फायदा नहीं होता तब तक वो उस चीज़ में जाते ही नहीं किसी चीज़ में, ठीक है। तो अब हम लोग अब साइंटिस्ट लग गए भाई ये पता लगाने में कि जुगनू में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, ऐसी क्या खासियत है कि वो चमकता है, लाइट एमिट करता है रात में। ओफ वन मिनट, जुगनू की लाइट एमिट होती है, हमारी लाइट यहाँ पे चली गई। ओके तो दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें तो हमने क्या कहा, तो भाई ये पता लगाने में लग गया कि भाई तो सन 93 से लेके 94 एक साल लग गया पूरा ये पता लगाने में कि आखिर जुगनू में ऐसी क्या चीज़ है जो उसके लाइट एमिटेशन में रिस्पॉन्सिबल है, जो उसको चमकवाने में जिम्मेदार है, ठीक है। तो भाई पता लगा एक प्रोटीन है जुगनू में, ल्यूसीफेरिन नाम की, वो जुगनू में रिस्पॉन्सिबल है भाई जुगनू को चमकाते हैं। देखते हो ना जुगनू मतलब रात में कितना अच्छा चमकता है, मतलब ऐसे लगता पकड़ लो हाथ वाथ में बैठ जाए ऐसे लगता, अरे वाह कितना अच्छा लगता है ना, ऐसे लगता कोई खजाना मिल गया ना, बहुत प्यारा लगता है जुगनू। ओके मुद्दे पे आते हैं, तो होता क्या है कि पता लगाया गया एक साल के अंदर अंदर, एक साल में भाई ये सन 94 में हो रहा है भाई, जब इतनी बायोटेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी, ठीक है। तो ये पता लगा कि भाई एक ल्यूसीफेरिन नाम का प्रोटीन है जो कि इसके ल्यूमिनेसेंस के लिए, ल्यूमिनेसेंस अर्थात लाइट एमिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये हुआ कि भाई अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन कैसे, प्रोटीन को बनाने वाला कोई ना कोई आरएनए होगा और आरएनए बनाने वाला कोई ना कोई डीएनए होगा, मतलब डीएनए का कोई टुकड़ा होगा जहाँ से वो आरएनए बन रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स में, सेंट्रल डोगमा की डीएनए से आरएनए बनता और आरएनए से प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो अगर प्रोटीन कौन सी है, ल्यूसीफेरिन, तो ये तो एक्जेक्ट क्लियर हो गया कि जो ल्यूसीफेरिन प्रोटीन है जुगनू के अंदर कोई ना कोई उसको आरएनए बना रहा है और उस आरएनए को कोई ना कोई डीएनए का टुकड़ा बना रहा है। भाई डीएनए का टुकड़ा होगा कि नहीं, वो एमआरएनए बना रहा है दैट मीन्स आरएनए बना रहा है, वो आरएनए आगे जाके ल्यूसीफेरिन नामक प्रोटीन बना रहा है दैट मीन्स, ठीक है। डीएनए से आरएनए बना दैट मीन्स प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, अनुवादन, ठीक है। नहीं, एक्चुअली पहले पढ़ा हुआ है हिंदी की एनसीईआरटी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, थोड़ा इस वजह से हमको याद है, तो अनुवादन कहते हैं, ठीक है। हाँ ट्रांसक्रिप्शन को अनुलेखन कहते हैं और ट्रांसलेशन को अनुवादन कहते हैं, ठीक है। ओके तो प्रोसेस समझ गए, प्रोसेस समझ में, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ओके तो अगर हम लोग बात करें कि दैट मीन्स अगर हमको ये पता लग जाए ना कि डीएनए का वो कौन सा टुकड़ा है, वो कौन सा जीन है जो ये प्रोटीन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हम लोग जुगनू के सेल से वो उतना टुकड़ा जो ल्यूसीफेरिन नामक प्रोटीन बना रहा है डीएनए का, उतना टुकड़ा उतना जीन निकाल लेंगे और प्लांट के अंदर फिट कर देंगे, आके प्लांट की सेल के अंदर, प्लांट के डीएनए में फिट कर देंगे बीच में, तो अल्टीमेटली क्या है, प्लांट चमकने लगेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो,
ठीक है, फिर जो है प्लांट चमकने लगे और पूरा लाइफ टाइम तक वो अपनी चमक को मेंटेन रखेगा। तो मतलब ये सारी ये जो मतलब एकदम समझ लो, ये जो एकदम बात थी पेड़ को चमकाने, ये एकदम बहुत 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 ही रिवोल्यूशनरी बात थी, बहुत ही मतलब क्रांतिकारी वो था, मतलब कि स्टेप एक टाइप का। ठीक है, मतलब कोई नॉर्मल बात नहीं है यार पेड़ को चमकवा देना। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, रेडियम लाइट जो लगनी थी उनका बजट कम हो जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हमको प्रॉपर ऐसे क्या हुआ, जुगनू की भी डिमांड बढ़ गई। ऐसे ऐसे जुगनू क्यों चमक रहा है, कैसे चमक रहा है, किसी को कोई ज़रूरत नहीं साइंटिस्ट भाई, तुमको हमें क्या करना है। लेकिन अब क्या है, ज़रूरत है जुगनुओं की, जुगनुओं का पता लगाना है, उनसे फ़ायदा लेना है, क्योंकि प्लांट को चमक मानना है। और साइंस हमेशा वहाँ जाती है जहाँ पर उसका फ़ायदा होता है, ऐसे बेफर्जी ऐसे नहीं मिल ले। तो दैट मीन्स अब आगे डिस्कस करते हैं भाई कैसे क्या होता है। तो ठीक है, ओके, टेक केयर, मिलते हैं बाद में।